Back from the dead. What's up guys, welcome back to my YouTube channel Yash Fitness। तो गाइज आपने मेरी लास्ट वीडियो तो देखी होगी जिसे मैंने 47 केजी से लेके 85 केजी तक ट्रांसफॉर्म किया था अपने आप को। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसे लिंक कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी हाइट कैसे इंक्रीज़ करें। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि वो अपनी हाइट से परेशान है, उनको अपनी हाइट ग्रो करनी है। तो आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगा जिससे आप इजीली लंबे दिख सकते हैं और अपनी हाइट को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वो जो लाल कलर का बटन दिखा होगा उसे दबाइए, साथ में आप बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइज हाइट ग्रो करने के लिए आपको यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने बताया होगा आप एक कैप्सूल खा के सोइए सुबह तक आपकी हाइट बढ़ जाएगी, आप ये कीजिए वो कीजिए, एक हफ्ते में हाइट बढ़ जाएगी, दो दिन में हाइट बढ़ जाएगी। बट प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं है, एक दिन दो दिन में कुछ नहीं होता, ओवरनाइट कुछ नहीं होता, आपकी हाइट एकदम से नहीं बढ़ सकती। आज मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा और कुछ रीज़न बताऊंगा जिसके वजह से आपकी हाइट ग्रो नहीं हो पा रही है और कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आप अपनी हाइट को ग्रो कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारी हाइट छोटी दिखने का जो रीज़न्स है वो क्या है। तो सबसे पहले उसमें आता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें हमारा जो सिटिंग पोस्चर या जो स्टैंडिंग पोस्चर है वो बहुत लोगों का ख़राब है, उसकी वजह से उनकी हाइट कम दिखती है। तो हम आज ये देखते हैं कि हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइस आपने कई लोगों को देखा होगा कि जब वो खड़े होते हैं साइड से तो उनकी जो शोल्डर्स है वो ऐसे झुके होते हैं सामने, उनका बैक बेंड होता है ऐसे, उस वजह से भी कई लोगों की हाइट छोटी दिखती है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब आप खड़े हो या बैठे हो तो आप अपने बैक को स्ट्रेट करो, अपने शोल्डर को पीछे रिट्रैक्ट करके रखो हमेशा, क्योंकि इसके वजह से जो आपकी स्पाइन है वो सीधी रहेगी, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत सीधा रहेगा, आपका बैक पेन भी नहीं होगा, साथ में आपकी जो हाइट है वो थोड़ी लंबी लगेगी। अब मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग बताऊंगा जिसको आप अगर अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपका बैक जो है वो एकदम स्ट्रेट होगा और आपकी हाइट भी ग्रो होने के चांसेस है। तो गाइस आप जब ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, वो बेंड नहीं होनी चाहिए, और आप कोशिश कीजिएगा कि आप जितना स्लो हो सके उतने स्लो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए जिससे कि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। बस बहुत लोगों की शिकायत ये भी होती है कि जब वो जिम जाने वाले होते हैं या फिर कर रहे होते हैं जिम, तब उनको ये लगता है कि वो जिम करने से उनकी हाइट रुक जाएगी। कई हद तक ये सही भी है, क्योंकि जब भी हम ओवरहेड प्रेस अपने शोल्डर के ऊपर कोई भी वेट उठाते हैं ज़्यादा, तब हमारी हाइट थोड़ी कम होने के चांसेस है, क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसके बीच में गैपिंग रहती है नेचुरली, वो थोड़े थोड़े कम होने लग जाते हैं उसके बीच की जो गैपिंग है, उस वजह से हमारी हाइट रुक जाती है, हमारी हाइट और ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाती। तो बस अब हम देखते हैं हमें सेकेंड एक्सरसाइज जो हमें परफॉर्म करनी है अपनी हाइट को ग्रो करने के लिए। वैसे हमारी जो आज की थर्ड एक्सरसाइज है हमारी हाइट को ग्रो करने के लिए, वो हम लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ में किया हुआ है पीटी के समय। तो आइए देखते हैं हम उससे कैसे अपनी हाइट को ग्रो कर सकते हैं। गाइस बहुत लोग बोलते हैं कि हाइट बढ़ाने के लिए आपको लटकना ज़रूरी है। हाँ कुछ हद तक ये भी सही है, आप चाहे तो लटक सकते हैं,
आप लटकते वक्त कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, आप अपने पैरों से अपनी ज़मीन को छूने का कोशिश कीजिएगा लटकते समय, और आप कोशिश कीजिएगा कि आप जितने ज़्यादा देर लटक पाए, अपने जो बैक है उसको स्ट्रेच कर पाए, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। मेक श्योर करें कि आप मिनिमम 7 to 8 hours की स्लीप लें, क्योंकि जब आप सोते हैं तब आपकी बॉडी ग्रो होती है, आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से काम करती है। तो अगर आप कम सोते हैं, 4-5 घंटे 3 घंटे सोते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसको इम्प्रूव कीजिए, ताकि आपकी जो हाइट है वो ग्रो हो सके, और आपको उसके साथ साथ जो अदर बेनिफिट्स है बॉडी की फंक्शनिंग में वो भी अच्छे से मिल सके। बहुत लोग बोलते हैं कि हाइट जेनेटिक्स होती है, वो बाद में नहीं बढ़ सकती, बट ये बहुत हद तक सही भी है। बट आप सचिन तेंदुलकर को देख सकते हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम थी, और उनके जो बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर, उनकी हाइट अभी काफ़ी ज़्यादा है, सचिन से तो बहुत ज़्यादा ही है। तो आप भी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आप कोशिश कीजिए कि आप हार्ड वर्क करें और अपने गोल को अचीव कर पाए। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, आपकी हाइट के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपकी स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए डाइट ही रिस्पॉन्सिबल है। आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छा खाए पिए, जिससे आपकी बॉडी को ओवरऑल बेनिफिट मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर कि आप इस वीडियो के बाद तुरंत जाके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि मेरी जितनी भी अभी आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और गाइज, आपकी जो भी कमेंट्स है, जितने भी है, आप उसे मुझे भेजिए, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई कर पाऊँ, और मैं जो भी आप चाहते हो उस टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।